दोस्तों कुछ महीनों से WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर काफ़ी सारे इशू वगैरह आ रहे थे, तो डेट इज़ सॉल्वड। अब आपको कोई भी WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह जो है एक्सेप्ट नहीं करनी है, आप इजीली उसे यूज़ कर पाएंगे, ना ही आपका कोई भी अकाउंट बैन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है सॉल्व हो चुकी हैं। इंडियन गवर्नमेंट्स के जो रूल्स थे उन्हें WhatsApp फॉलो कर रहा है। तो 2021 में WhatsApp की तरफ से जो फीचर्स ऐड किए गए हैं WhatsApp के अंदर, अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को पूरा वॉच करना। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस ही हम आपके लिए इस चैनल पर हर रोज़ लाते रहते हैं। तो लेट्स स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो फीचर्स है मल्टी डिवाइस सपोर्ट का, आप अपने WhatsApp अकाउंट को मल्टीपल डिवाइसेस में जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो ये फीचर्स मुझे काफ़ी कमाल का लगा। अब अगला जो फीचर्स निकल के आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन का, मतलब कि पहले आपकी जो चैट्स वगैरह जो है इंक्रिप्टेड रहती थी, लेकिन आपका जो बैकअप था WhatsApp का बैकअप था वो गूगल ड्राइव में सेव रहता था, आप उसे कभी भी एक्सेस कर सकते थे। लेकिन अब आपका बैकअप भी जो है इंक्रिप्टेड रहेगा, आप उसे ईजिली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अगर आपका WhatsApp का बैकअप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करके ले लेता है तो उसे वहाँ रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इंक्रिप्टेड हो जाएगा। अगला जो फीचर्स है फ़ोटो और वीडियो की क्वालिटी को लेकर, आप WhatsApp पर कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप उसे शेयर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कुछ और है, और जब किसी के पास में जाता है तो उसकी क्वालिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, उसे WhatsApp कॉम्प्रेस कर देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको WhatsApp के अंदर एक पर्टिकुलर ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको हाई क्वालिटी का फ़ोटो भेजना है या फिर लो क्वालिटी में भेजना है। सेम यही कहानी वीडियोज़ के अंदर भी अप्लाई की जाएगी। अब अगला जो फीचर्स निकल के आता है ग्रुप्स कॉल्स का, मतलब जब आप ग्रुप कॉल करते थे तो पहले इंस्टेंट सभी को कॉल रिसीव करनी होती थी, लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड्स थोड़ी देर बाद आता है या फिर लेट उसमें ज्वाइन कर सकता है, मतलब कि वो बाद में भी उसमें कॉल ज्वाइन कर सकता है। तो ये फीचर्स काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अब ज़माना जो है वीडियो कॉलिंग का ही रह गया है। ऑडियो प्लेबैक स्पीड को लेकर, जिन लोगों को ज़्यादा टेक्स्ट लिखना पसंद नहीं था, वो ज़्यादा ऑडियो को जो है रिकॉर्ड करके सेंड किया करते थे, तो अब उनके लिए फीचर्स है कि आपने अगर कोई 10 मिनट की वीडियो भेजी है तो आप उसे 5 मिनट में ही सुन पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कि आप उसकी प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हैं 1x से 2x कर सकते हैं, जिससे कि 10 मिनट की वीडियो को आप 5 मिनट में ही सुन सकते हैं। अगली जो लीक्स निकल के आई है कि कुछ समय पहले WhatsApp के 2 मिलियन अकाउंट्स, WhatsApp ने 2 मिलियन अकाउंट्स को जो है डिलीट किया था। काफ़ी सारे स्पैम चल रहे थे और बल्क में मैसेजिंग वगैरह की जा रही थी, उसमें जो अकाउंट सेफ थे बिल्कुल उन्हें भी जो है बैन कर दिया गया था। अगर आपका भी अकाउंट किसी गलती से WhatsApp की तरफ से बैन हो जाता है तो यहाँ पर एक ऐप है, उसका नाम है इन ऐप बैन। आप इसमें अपने WhatsApp का रिव्यूज़ वगैरह करके स्क्रीनशॉट लेके उसे रिव्यू के लिए भेज सकते हैं, आपका अकाउंट तुरंत ही एक्सेस कर दिया जाएगा। अगला जो फीचर्स है फ्लैश कॉलिंग का, मतलब जब आप अपना WhatsApp अकाउंट क्रिएट करते हो, आपको वेरिफिकेशन के लिए कोड भेजा जाता है, अब आप उसमें कॉलिंग को भी यूज़ कर पाएंगे। मतलब आपको एक ऑटोमेटिकली WhatsApp की तरफ से कॉल्स आएगा, उसके थ्रू आपका WhatsApp अकाउंट वेरीफाई होगा। और एक सबसे बड़ी जो लीक्स और रूमर्स निकल के आ रहे हैं काफ़ी सारे WhatsApp डेटा ट्रांसफ़र को लेकर, आप अपने WhatsApp के डेटा को जो बैकअप्स और जो स्टोरी वगैरह हैं, अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन से iOS में स्विच करते हैं एक आईफोन में, तो आप ईजिली जो है अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएंगे एक आईफोन के अंदर। तो ये फीचर्स तो मुझे काफ़ी बेस्ट। दोस्तों यही सारे फीचर्स थे WhatsApp के नए 2021 में जो WhatsApp की तरफ से ऐड किए गए हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आपको हमेशा इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो जय हिंद जय भारत।